आज रात कौन है वो लड़की? सुंदर है लड़की, अन्य जन में है सुंदर की बातों को लंघन किया और इसकी दीपावली हमेशा हमेशा के लिए बुझा दी जाएगी। पहले इस राजधानी में दीपावली जलेगी, फिर श्यामपुर से गुण और श्यामपुर के लोग अपने घर में दीपावली जलाएंगे। ऐलान करो नागराज, हम तो बार बार तुम्हारा आने का वेट करते हैं, जाओ फुल फुल को लेकर जाओ। जरूर जाऊंगा, जाइए हम अभी फटाफट ऐलान करवाता हूँ। ये बड़े ठाकुर ने क्या कहा कुछ सुना? ये बड़े ठाकुर का कहने का मतलब ये है, फिर हम तुझे दोबारा बता रहा हूँ। बताइए, सुने तो है लेकिन बताइए। सांपुर और सिंदरपुर सिंहपुर में ऐलान करवा दे कि जब तक गजराज की हवेली में दीपावली नहीं जलेगी, तब तक अगर कोई शख्स दीपावली जलाने की कोशिश किया तो उसका दीपावली हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। ठीक है, दूसरा काम और है तेरे लिए। वो कौन सा नाम, कैसा नाम बोलिए? ये ऐलान करके फटाफट तो जा श्यामपुर और जाकर के देखो सुरजन किसान की बेटी जिसे अर्जनिया कहते हैं, वो ससुरी घर से निकलती है कि यानी सुरंग में ही पैक रहती है। ठीक एक भीड़ क्या करता है जो कहता हूँ, और कुछ नहीं बाबू, नंबरदार कुछ नहीं कह सकता। वही समझने की कोशिश करो, नहीं तो फिर और हानि हो जाएगी। समझदार है, समझ गए हैं। दिमागी रहो, जो बात करेंगे। श्यामपुर जाना तो खबर अच्छी ही लेकर आना, नहीं तो फिर अपनी सूरत नहीं दिखाना। बिल्कुल सही, हम तेरे रास्ते में इंतजार करता हूँ। श्यामपुर और सिंगापुर के वासियों, अपने अपने कान खोल कर सुन लीजिए। जब तक ठाकुर गजराज सिंह की हवेली में दीपावली नहीं रहेगी, तब तक कोई शख्स अपने घरों में दीपावली नहीं रहेगा। अगर किसी घर में दीपावली जलते हुए मारा गया तो उसके लिए दीपावली हमेशा हमेशा के लिए बुझा दी जाएगी। चला जाए, चलो यार। लेकिन यार बड़े के हमारी घोड़े की पछाड़ी पड़े बोले चाहिए, जवानी में भरपूर है, इनका कुछ देखात नहीं ना। लेकिन अभी नहीं, लेकिन बुढ़ा जा तो क्या हो जवानी में, जवानी में हम बताते क्या होता है कि जब हम जवान होंगे, कि जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे, जहाँ होंगे वहाँ पर याद करेंगे। Thank you.
होंगे लेकिन जब बुढ़े हो जाओगे तो क्या होगा? बुढ़े होने पर क्या होता है? जब हम बुढ़े होंगे Yeah.
जलाना सकी। पैसा होता तुम्हारा सकती है। हेलो, ये गरीबी एक अजीब चीज है। ये गरीबी को देख के हमारे घरवाली साहब आ गए। घरवाली बाबू जी की तरफ से दीपावली जलाने के लिए 100 रुपया दे रहे हैं। अरे 100 रुपया लो, दीपावली कट के जलाओ गरीबी अवस्था। कोई बात नहीं है, मैं क्षमा करके पैसा ले आया हूँ। हाँ माँ, अपने भी घर खुशियाँ मनाई जाएगी। माँ अपने भी घर में दीपक जलेगा। ठीक है बाबू, आप बाजार की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अर्चना, बहन अर्चना, हमारा छोटा भाई दीपक नहीं दिखाई दे रहा है। वो बच्चों के साथ खेलने गया होगा। देखो बहना, तुम उससे बड़ी हो, उसका देखभाल तो करो। अगर इस तरह वो घूमेगा तो आवारा हो जाएगा। भैया गुट्टी खेली, हम 4 रुपया जीत लीना, हमका कहीं नहीं। पहला नंबर तो मैं तुझे इतना समझाता हूँ। अरे हमका ना समझाओ, समझाओ मैं छोटे भाई का। जो दिन भर गुट्टी, दिन भर गुल्ली, अभी गुल्ली खेल रहे थे उसे मोबाइल में खाली में उसके मोबाइल। अभी तो वो नादान है। नादान नादान है तो क्या? पैसा हमारा 4 रुपये में नादान हो रहा है। इधर आइए सर। हाँ इधर आयो। इधर मेरे पास सर। उसके साथ खेलता है, है? आज के बाद उसके साथ तो पैसे से कुछ नहीं खेलेगा। तुम्हारी बात आने से मैं बात करता हूँ। आपके साथ पैसे का खेल झूठ बोलता है ये भैया। आज आप सब कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहता है मैडम? यही आप जिनको वाली है चार फुट के बच्चे प्रैक्टिस कराते हैं। मुझे पैसे दो, मैं भी प्रैक्टिस कराऊंगा। तुम्हारा भी दिल खराब करता है। भाई भी मिठाई मुझे पैसे दो, मुझे 20 रुपए, 20 रुपए मुझे 30 रुपए, 30 रुपए अगर
तेरा दिमाग खराब है, मेरे घर मैं तो सिर्फ 20 रुपए मांगता हूँ, अपना ज्यादा पैसे मांग रही है। बराबर बराबर दियो आर, बराबर बराबर दियो आर भैया। आर क्या है? नहीं भैया मुझे पैसे दो। तू क्या करे? हाथी घोड़ा खाए? हाथी घोड़ा खाए? शैतान नहीं, आज हाथी घोड़ा कहीं खा जाते? खा जाते चीनी वाली बात कर रहे तू? चीनी की? हाँ हाँ हाँ, समझ गया तेरी बात को। बोलते वाले ठीक कहो भैया, दीपावली आवश्यक है ये भी क्या लाई चटाई? इसका मतलब क्या हुआ? बापू इधर आप तो जाए जाएंगे ना बापू? हाँ बेटा, ये मेरे पैसे ले लो, मेरी पढ़ के ले आना बापू। ठीक है बेटा, बापू ये लो मेरे भी पैसे ले लो, हमारे लिए खूब अच्छे अच्छे मिलेंगे। काका हमारे पैसा ले गए तब सामान खरीदे के बाद में झोला में जगह फटे ना वह ये कौवा के मना ले लिए बस। एक बापू नहीं ले, अगर तुझे खाना है पहनना होगा तो ले ले, पैसा अपना जा के ले रखो। प्लास्टिक वाली चाहिए बापू? ये लो चाहिए अपना, और जो भी सामान नहीं है बहुत जल्द लेकर के आइए। सामान नहीं लेकर के आओगे घर में तब तक कुछ नहीं बने। अरे दोनों बच्चे तो नहीं बन रहे दोनों लोग। आप बाजार चलिए, आज खेतों की तरफ नहीं जाऊंगा। आप जाएंगे खेतों की तरफ बेटा? हाँ बाबू ठीक है बेटा, तो ये लाठी ले लो बेटा। ये क्या करेगा? अरे बेटा ये लाठी जीवन साथी है आपका। तो ठीक है बाबू ले लियो लाठी या बनी साथी, ऐसा चलावा के हाथी। Thank you.
पप्पू सामान लेकर के आ जाए तो पहले अपने पपीता लिख सजा कर खेतों की तरफ वही कर है। एक बात पूछना चाहता हूँ, कौन सी बात है तुम्हारा? ये बताइए, माँ बेटे का रिश्ता इतना अटूट क्यों होता है बेटा? जी मैं माँ बेटे का रिश्ता अटूट इसलिए होता है कि बेटी का जन्नत माँ के कदमों में होती है। आप सच कहते हैं, माँ कैसी भी हो माँ के कदमों में बेटे का जन्नत है। एक बात बोलो बोलिए ना बेटा। चंदा कभी दूर की दूर पवन से कभी दूर बाहर चमन से
ये आ गए सूरजमान, सूरजमान की तरफ इसी माँ और बेटे के काम पे खुश होकर 10 रुपए की नाम आ रहा है। भाई जी की तरफ से आप शुक्रिया, लेकिन अब हमें करना गया है। अब अर्चना के बापू बाजार गए हैं और अर्चना के भाई ठेकेदार के पास पैसा लाने गए हैं और अर्चना इस समय दीपावली लेकर अपने खेतों में जलाने जा रही है, लेकिन ये खबर जा रही अपने ठाकुर साहब से बता दिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये खबर तुम्हें लाकर हमें बताना है। लेकिन यह बुढ़ीवा बुढ़ौना का जब तक नहीं देखा तब तक आंखें नहीं लगती, और जब तक बुढ़ौना बुढ़ीवा ने देखा जैसी आंखें नहीं लगती, बुढ़ौना से बुढ़ीवा भाई भाई मिले थे, बुढ़ौना भाग भाग फिर थे, कहा है जाए इंतजार करते करते तो हम खुद ही थक गए हैं यार। ये आगे माता प्रसाद गुप्ता महाराज पूरी दर्शन, ये धनवाली के लिए 50 रुपए का जो है बड़ी शुक्रिया ले लो। चल फटाफट बताओ कैसी खबर लेकर के आया है। खबर जो लाए है बिल्कुल सही लाए है। अरे तो फिर बता क्यों कि सुनने के लिए किस बेकार हो रहा है। इस समय वो अर्चना दीपावली लेकर अपने खेतों में जलाने जा रही है। अर्चना दीपावली लेकर के खेतों में जलाने के लिए जा रही जी। वाह दिमागी लाल वाह। अरे तू तो इतनी अच्छी खबर लेकर के आया कि आज मैं तुझ पर खुश हो गया यार। अब इससे पहले वो अर्चना दीपावली जला के खेतों से वापस आ जाए हम लोग चल करके रास्ते में ही दीपावली जलाते हैं धीरे धीरे। Thank you.
दीपावली जला के वापस आ जाए। ये तो बहुत तेज रफ्तार में जा रही, अब करना क्या है? आपको लगता है कि पैर में कौन कटोरी खाना लगा हुआ क्या? एक काम कर, तू इस रास्ते से जाओ, हम इस रास्ते से जाते हैं, अब बीचों बीच रास्ते में दबो चुके हैं।